तिलक सिंदूर मंदिर, जहां है भगवान भोलेनाथ विराजमान। भक्तों की अटूट आस्था का एक उदाहरण यहां देखने को मिला, जहां एक भक्त ने दंडवत यात्रा कर 50 किलोमीटर का सफर तय किया। मकड़ा एक्सप्रेस 24 रिपोर्टर के यदुवंशी की खास खबर। सिवनी मालवा, ग्राम बिसोनी कला के भक्त ने 50 किलोमीटर यात्रा दंडवत की। भगवान शंकर हैं जहां विराजमान आस्था का केंद्र तिलक सिंदूर। जी हां, स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये ग्राम बिसोनी कला के संजय लोवंशी की है। कहते हैं जहां भाव वहां भगवान। सच्ची श्रद्धा और भक्ति के आगे सब कुछ बेकार है। जिसने मन में ईश्वर से मिलने की लगन लगा ली, उसके सामने पहाड़ भी बौना हो जाता है। कुछ ऐसा ही दृश्य होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील के बिसोनी कला के भगवान शंकर के भक्त संजय लोवंशी में देखने को मिला। भक्त तिलक सिंदूर पैदल 50 किलोमीटर दंडवत करते दर्शन के लिए जा रहे हैं। तिलक सिंदूर में स्थित भगवान शंकर की प्रतिमा के दर्शन के लिए दंडवत करते पहुंच रहे हैं। भगवान शंकर के भक्त अतुल शर्मा ने कहा कि बाबा की बात ही निराली है, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। आज जी ये दंडवत यात्रा कहां से और क्यों जारी है, इसके बारे में आप बता। ये दंडवत यात्रा भगवान भोलेनाथ के पवित्र तीर्थ स्थल ग्राम बिसोनी कला से भगवान भोलेनाथ का तीर्थ स्थल तिलक सुंदर के लिए रवाना हुई है। आज इस यात्रा का 7वां दिन है। दंडवत यात्रा में अनेक लोग जगह जगह शामिल हो रहे हैं और कुछ पहाड़ और श्रीफल से उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। इनका उद्देश्य क्या है, इस तरह दंडवत करके जा रहे हैं? इनका उद्देश्य केवल धर्म के प्रति अपनी आस्था, भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा और एक धार्मिक आयोजन के हिसाब से ही इनकी एक यात्रा है। न इनकी कोई ये मनोकामना है ना कुछ है, एक स्वेच्छा से ही इस यात्रा का आयोजन